हेलो, तो कैसे हो प्यारे फैमिली। और आज का दिन था बहुत ज्यादा बढ़िया। सुबह से बहुत सारी चीजें करी पर व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सब चीजें बहुत सडन हुई, तो ठीक है। बट अभी हम आए थे मैच देखने, नहीं स्टेडियम के बाहर आए थे, मैच देखने नहीं आए, हम आए थे वहाँ बचा हुआ खाना लेने, भीख मंग गए ना। तो आज भाई की हालत थोड़ी टाइट है क्योंकि भाई ने आज अपना पानी दिया है, मतलब प्लेटलेट यार, प्लेटलेट गलत मत समझो, तुम हमेशा ही गलत समझते हो। तो भाई ने आज अपना पानी दिया है और पहली बात तो ना सब लोग कमेंट में ना भाई कुणाल, मतलब वॉरियर कुणाल सब स्पैम कर देना, क्योंकि यार हमें कॉल आया था, एक बहुत रैंडम कॉल आया था कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब, बैठ के खाना खा रहे थे और हमारे भाई सुनते ही इनका भी पॉजिटिव ब्लड है और एकदम फ़ोन आया और हम लोग चले गए। घर पे आके बहुत सारी डांट खाई, पूरा दिन वेस्ट हुआ, बट बहुत अमेजिंग दिन था। सेटिस्फेक्शन है, थोड़ी वीकनेस लग रही है पर सेटिस्फेक्शन है भाई, खुशी है, मन में बहुत सुकून है। और तुम लोग भी डोनेट किया करो, ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 18 प्लस हो तो प्लीज़ डोनेट करो, हो सकता है आपका एक ब्लड किसी की ज़िंदगी बचा दे। तो इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा था। बाकी अभी हम आए हैं स्टेडियम, कुछ बाहर के नज़ारे लो, शीशा हो रहा है गंदा, लाइट देखो कितनी तगड़ी जल रही है। स्टेडियम के अंदर चल रहा है मैच दिल्ली वर्सेस KKR। अंदर नहीं जा पाता, टिकट के पैसे ही नहीं हमारे पास खरीदने के, ये लेके ही नहीं जाते, पुलिस वालों का स्टाफ ही नहीं चलाते भाई, पास ही नहीं मिल पा रहे इस साल, कितना दुख है जिंदगी में। छोड़ो, अंदर चलते हैं। स्टेडियम के बाहर का नजारा, मैं तो पहली बार आया हूँ जिंदगी में स्टेडियम के यहाँ पे। मैं आता तो रहता हूँ, खाने पर कभी देखा नहीं मैंने भाई। आपने मिस कर दिया कुछ? क्या लड़कियां गई बहुत सेक्सी, लड़कियां दाढ़ी वाले अंकल के साथ। अरे नहीं लग रही भी ना टिकट के लेबल पार्किंग लेके, चोर तो नहीं। तो चलते यार, पहुंच गया पे, बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है, पहुंच गए यहाँ पे हम, पहुंचे और दुनिया जा रही है, मैच खत्म, और ये इस इंसान की वजह से। IPL IPL में फेस्ट है, तो वो क्राउड देख रहे हो कितना अमेजिंग है। तो यहाँ पर शूट चल रहा था दिल्ली कैपिटल्स के साथ, लोग आते हैं मैच देखने और ये RHA वाले आ रहे खाना लेने। देखो वहाँ स्टेडियम एंट्री भी नहीं मिली यार, खाली जा रहे, खाली जा रहे। नाम पढ़ो सबका, पूर्व हिमांशु दीक्षा और अनिल, बहुत नाराज होके जा रहे हैं पर एक दिन जरूर जाएंगे, जरा हम पैसे कमा लेंगे ना। बस यही देख लेते हैं हम फोटो, बंदे तो देखे नहीं हमने कोई, अब क्लियर दिख रहे हैं। दिमाग खराब और बहुत गंदी तरीके से बनौती कटी है, पता नहीं सकता तुम्हें आज क्या हुआ क्या नहीं। कोई नहीं, चलते खाने, कुछ भूख लग रही है। मैच देखा बहुत ऑसम था, मैच देखने का थकने का दम आ गया, जामा मस्जिद खाना खाने बहुत थक गए थे, इधर से आ जाओ, मैच देख के बहुत ज़्यादा थक गए थे और थकान की वजह से भाई को खाने की ज़रूरत पड़ गई, तो खाना खिलाते हैं भाई को फटाफट। भाई बहुत थक गया ना मैच, चला बहुत थकते मैच था ना। अरे यार, और ये पैदल का सफ़र तो पूछो मत, कभी गाड़ी जाती थी अंदर, आज पैदल जा रहे हैं। जैसा नज़ारा है जामा मस्जिद का रमज़ान के दिनों में, मैं रमज़ान के दिनों में पहली बार आ रहा हूँ, तो देखो अभी टाइम हो रहा है 12:27 और यहाँ भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है कि अपनी मंजिल पे ट्रैफिक, अंदर चलते हैं और लोगों के चेहरे की दिखाता हूँ, हाथी से भी बात देखते हैं, ट्रैफिक चलते हैं अंदर फटाफट। पहुँच गया यहाँ पे फटाफट, ये लड़का रहा अपना, प्याज है रोटी मंगा दो प्याज के लिए, आओगे क्या? यहाँ पे शेख आया है शरबत बांटने, शेख आया है शरबत दे रहे हैं, इनका काम धंधा नहीं होता जिंदगी में, शरबत दे रहे हैं। पहल तो बहुत देखी पर इतनी बड़ी तो भाई नहीं देखी यार। तो फिर आप राजस्थान नहीं गए? इतनी बुढ़ी और बहन जो कुछ नहीं है, राजस्थान चलो। तो आ गए अपने यूलू स्टैंड पे, मैं कुणाल भाई को कह रहा हूँ एक्सपीरियंस कर लो, मानते नहीं मेरी बात। भाई और बहनों और उनकी माताएं और उनकी चाचियों, मौसम यहाँ इतना सेक्सी हो चुका है पर हमारे कुणाल भाई को मतलब फ़र्क नहीं पड़ता यार एंजॉय करने से, इनको इतने बढ़िया वेदर यार, वेदर के वेदर देखो क्या बताया। और ये मज़े ही नहीं लेना चाहते कुणाल भाई, क्यों आप इतने बोरी होते जा रहे हो दिन पर दिन? एक तो बहन से सुबह पानी निकलवा दिया पानी भी पूरा बताओ, पूरा बताओ, पानी निकला पूरा बताओ क्या हुआ? प्लेट लेट निकलवा दी बहन से, बंदे गलत समझेंगे जब तुम पानी बोलोगे तो। अच्छा तुम स्टोरी बताओ लोगों को यार, बड़ी अमेजिंग है कि प्लेटलेट वाली स्टोरी हुई कैसे थी भाई? तो पता नहीं किस चूते का फोन आया, राजू चूर चूर नान खा रहे थे
कहते भाई चलो खून देने चलते हैं, मैं कहा चलो खून ही तो लेगा वो घड़ी का क्या लेगा। वहां बहन से 2 घंटे स्विच चुपा दी, वहां सारे ने पता नहीं पानी के साथ साथ क्या निकाल लिया। भाई हमारे भाई बहुत ज्यादा थके थके से लग रहे, पर कोई बात नहीं, हम भाई के लिए गुड रिकवरी के लिए क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे कि भाई की रिकवरी जल्दी हो जाए। पर यार पता बहुत एपिक हुआ था, मतलब मैं बताता हूँ, हम ना बैठे हुए तो हम ड्राइव खत्म करके आई थिंक 2 बज रहे थे तो हम गए राजू चोर नान। एक तो हमारी नान बहुत देर में आई, ठीक है, फिर हम वेट करके अपनी नान जैसी खाने लगे तो एक कॉल आता है, मैं उस बंदे का नाम मेंशन नहीं कर सकता, अच्छा इंसान है, तो कॉल आता है कि यार एक पेशेंट है और उसकी मदर की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ब्लड चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, ए बी पॉजिटिव या तो ए बी नेगेटिव प्लेटलेट। कुणाल में बैठे थे ना, वैसे ही मजाक में पूछे मैंने, भाई आपका क्या ब्लड ग्रुप है? इन्होंने बोला ए बी पॉजिटिव, बस चलो। और यार वो इनका चलो ना इतना भारी पड़ गया, काश बाना मार देते। पर घर जाके जो लंका लगी है बड़ी मुश्किल से माता को संभाला है, वरना तो आज जूते लग जाते हमारे, जूते बहन जो घर से निकलवा देते ये भैया, कोई नहीं बच गई। पर यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए इन भाई साहब की हालत खराब हो चुकी है, पेट्रोल डलवाते हैं पहले फटाफट और चलते हैं घर। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं ना वो दिल्ली की हॉन्टेड प्लेस है, लाइट्स भी बंद कर दी है। अगर जो जो बात मेरी झूठ मान रहा है ना, तुम जाके द्वारका सेक्टर 9 हॉन्टेड प्लेस डाल देना, जगह आ जाएगी, तुम्हारे लिए रिस्क ले रहा हूँ बस मैं। तो मुझे रास्ते में मिल गए थे मेरे महादेव, चलिए तो दर्शन करते हैं इनके। मेरे लिए कुछ मैं परफ्यूम और डियोज लेके आया, तो ये एक फिलिन का स्नैक लाया, ये हनी ऊद और ये बेला वीटा का बॉडी परफ्यूम लाया मैंने, बट ये अच्छा है, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है। कैसे डी पी एल एल फैमिली, और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया मैं, कोई बात नहीं। तो हम जा रहे थे अपने परम मित्र एलेक्सा के पास, और हम लोग आ गए थे बुलंदशहर, सुबह निकले थे घर से 6 बजे का प्लान था, पर 7:30 बजे निकल पाए, और व्लॉग का कोई प्लान नहीं था, बट सडन एक लोकेशन मिली बहुत अच्छी सी, तो सोचा अपने साथ अपने मित्र गणों यात्री गणों को भी दिखा दूँ, तो इसलिए व्लॉग शुरू कर दिया। बहुत खूबसूरत सी जगह है, और मेरे साथ हैं मेरे परम मित्र, मेरे भाई केशु बेबी व्हाट्सअप। सो हम बेफालतू में हम बस यहाँ पे क्या खाने आए, मटन, अरे रे 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 आराम से हौली हौली। तो बस हम पहुँच गए, और थोड़ी देर में तुम्हें बहुत खूबसूरत सा नज़ारा दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और क्या मिला, महादेव, मत मानो सुकून तो बहुत है यार, गेट फेर था, मेरी गाड़ी में भी हवा जाएगी क्या, पवित्र आने का प्लान था पर कुणाल भाई साहब ने मना कर दिया, तो वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, या सीएनजी डलवाने, फटाफट डलवा के चलते हैं, एलेक्स कर रहा है। पर मैं गाड़ी ले आया हूँ, देख रहे हो कहाँ फंसा के, मैं फंसा लाया गाड़ी एक गली में, और बस ये देखो यही गली दिखा रहा ना, आगे वाली है। आई वो तो अच्छा भाई, कलाकार ही हूँ मैं यार। गली का हाल देखो यार, मुस्लिम बस्ती में दिखा तो दिए तुम्हें नजारे, और मेरा पता है मेरे को एक चीज का अफसोस हो रहा है, मेरे को अपनी गाड़ी पे लिखवाना चाहिए था जय श्री राम, बहुत जरूरी यार, बहुत ज्यादा जरूरी हो लिखवाना, इनकी हिम्मत नहीं होती करने की, वहां पे लिखाना था हिंदू कट्टर हिंदू लिखवाना था,
तो बाबू ने लड़के के घर में लड़का ले गया पानी अपने पापा के लिए। अभी मैं अपने लड़के से मिलवाता हूँ और उसको करते हैं ईद की मुबारक। तेरा मेरा लौंडा एलेक्सा, चलो एलेक्सा काजल से बात करो। भाई 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 ना शॉक्ड हो गया, ये इसकी ना बोट की यहाँ पे ये लगी हुई है। इसको क्या कहते हैं, इसको वो कहते हैं ना साउंड बार, साउंड बार। और मैं इसकी ना आवाज सुना दो तुम्हें। यहाँ पे आए खाने में, यहाँ पे बनाई है मोटे मोटे क्या कहते से दही बड़े और सेमिया। बोलेंगे सलाम वालेकुम, कहेंगे ईद मुबारक। भाई ईद मुबारक ना, मेरा बहुत होनहार सा लड़का अभी गाना सुनाएगा, शर्मा के चला गया बाहर। ऐसा गाना और एक बहुत प्यारी सी आवाज से सुनते हैं यार। मैं तो देखो भुला सका मैं तेरी चाहते, इश्क पे कहां बस किसी का चले, हो भी जाए मेरी सांसे चाहे खत्म, कम न होगी कभी ये वफा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, धड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। अब भाई कॉपीराइट है पूरे पूरे साड़े फोन में, ये नहीं गा रहा था पीछे से भाई गा ही रहा था। वहां लिपस्टिक हो रही थी बस। क्या चीज है, क्या चीज है एलेक्स? एलेक्स अरे एलेक्स क्या कहते हैं उसको, एलेक्स क्या कहते हैं उसको, बोलते भाई खुरचन, खुरचे की फेमस खुरचन। घर पे सो रहा था इसने खुजली थी, घुमा के लाओ पूरे दिन भाई। इसने एक तो खाना पेट भर के खिला दिया और हम घुमाने लिया डाल, मतलब हजम करने के लिए ना, वो ज्यादा खा लिया हमने। खुरचों की स्पेशल लस्सी, साइज देखो ग्लास का। लंबी ड्राइव के बाद आ गए अपने दिल्ली, और दिल्ली आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार यूलो स्टेशन में चल के देखेंगे, थोड़ा सा वहाँ का भी कैप्चर करेंगे लोगों का कैसा चल रहा है संडे। वो यूलो स्टैंड यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है आज, क्योंकि कम लग गया। भाई देखो 10 रुपये वाली आइसक्रीम खा रहा हूँ, अमीर लोग खा रहे 30 वाली। यही होता है, सीधा डिफरेंस, गरीब अमीर, रिच पीपल।